गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद न्यू टॉपिक प्रोनाउन। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैं इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट नाउन्स। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होते हैं और फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस प्रकार वर्ब से नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, इनके बारे में बताया। मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया, बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद जेंडर और उसके बाद केस, इन सब के बारे में बताया। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके नाउन के पार्ट्स में आप देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। और तो सबसे पहले इसके देखते हैं क्या होते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। देखिए, जो प्रोनाउन है अपने आप पर डेफिनेशन को बता रहा है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रो प्लस नाउन। ये जो प्रोनाउन है ये दो शब्दों से बना है, प्रो प्लस नाउन, यानी और इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो प्रो जो होता है, प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन। तो इसके नाम से ही मतलब पता है कि those words which used in place of noun nouns are called pronoun। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? एक एग्जांपल के द्वारा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये चीज लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है राम, जो राम है वो किसी का नाम होता है, राम इज ए नेम एंड इट इज कॉल्ड नाउन इन एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में। तो ये जो राम है इसकी बार बार रिपीटेशन रोकने के लिए हम इसके स्थान पे यूज कर देते हैं और इसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो हो जाएगा राम इज अ गुड बॉय और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो ही आ गया यहाँ पे वो हो गया आपका प्रोनाउन, इसी को कहते हैं प्रोनाउन। इसी प्रकार यदि गर्ल्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही सी इट नेम, ही सी इट, वी दे दिस दैट दीज दोज विच व्हेन वेयर। तो इन्हीं के आधार पर जो ये प्रोनाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वी विल स्टडी इन डिटेल और इनका सबका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं ये प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो उनमें से हम लिखते हैं कई। जैसे फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। जो सेकंड होता है वो होता है डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो थर्ड होता है
होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ होता है इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। फिफ्थ होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिक्स्थ होता है रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। सेवेंथ होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है इनमें सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और ये होता है अंत के बाद में रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल ये कुछ जो होते हैं, कुछ जो मुख्य काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं यही होते हैं और इनका हम धीरे धीरे से किस प्रकार से इनका डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस प्रकार से जब हम इनका ये काइंड्स होते हैं, अब देखते हैं इनकी क्या डेफिनेशन होती है एक एक करके। तो देखिए जो सबसे पहले प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको कि हम व्यक्तिवाचक 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 सर्वनाम कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें कि क्या होती है, तो देखिए दोज प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, पर्सन स्पोकन टू और पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसका सीधे सीधे अर्थ है कि वे प्रोनाउन या वे सर्वनाम जो किसी बोलने वाले को, जिससे बात की जाती है, बोलने वाले को, सुनने वाले को तथा जिसके बारे में बात की जाती है उसके बारे में बताते हैं। पर्सनल यानी पर्सन, पर्सन के बारे में बताते हैं, जो बोलता है उसके बारे में, जिससे बोलता है उसके बारे में और जो होता है जिसके बारे में बोलता है और जिससे बोलता है। और एग्जांपल इसमें आते हैं तो इसी के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को दो प्रकार, दो तीन भागों में बांटते हैं, पर्सनल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है अ प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, अ प्रोनाउन विच डिनोट्स टू स्पीकर, जिसके द्वारा बात की जाती है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आई, आई मतलब मैं, आई और बी यानी कि हम आते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। दूसरा जो होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विच डिनोट्स अ पर्सन स्पोकन टू, इट इज अ प्रोनाउन विच शोज द पर्सन स्पोकन टू। इसी में कह सकते हैं अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच डिनोट्स, डिनोट्स अ पर्सन स्पोकन टू, स्पोकन टू यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसको जो उसको बताता है, जिससे बात की जाती है उसके बारे में बताता है। इसका एग्जाम्पल होता है यू, क्या होता है यू,
पहले दाऊ और दी भी होता था, ये जो है लिटरेचर में यूज किए जाते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है इट इज ए प्रोनाउन विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन ऑफ। जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है जिसकी डेफिनेशन होती है अ प्रोनाउन विच डिनोट्स अ पर्सन स्पोकन ऑफ यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसमें किसी उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे ही सी दे ही सी दे हिम हर जो ये होते हैं दे ये सब जो होते हैं हम थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन आते हैं जिसमें अ पर्सन विच डिनोट्स द स्पीकर पर्सन स्पोकन टू अ पर्सन स्पोकन ऑफ। फर्स्ट पर्सन आता है जिसको फर्स्ट पर्सन में कहते हैं अ प्रोनाउन विच डिनोट्स टू स्पीकर आई वी सेकंड पर्सन अ प्रोनाउन जिस मतलब जो सेकंड पर्सन जो होता है जिसके जिससे बात की जाती है यू आते हैं और थर्ड पर्सन में प्रोनाउन है। तो डिटेल इनका डिटेल लेकर के अलग अलग काइंड्स का इस प्रकार से मैं आता रहूंगा। और डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन वीडियोज के थ्रू घर बैठ करके मोबाइल से इंग्लिश सीखी जा सके। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।